continue refraction, we will see certain relations today. This is an incoming ray, incident ray at this point. This is medium 1, this is medium 2, this is interface. Okay, now there is a refraction, this is a denser medium, so this will move towards, this will bend towards normal. ठीक है, ओके. अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1. बेंड करने का काम कौन कर रहा है? मीडियम 2. तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर. This is equal to I angle कौन सा है? PQN. PQN. और R angle है this NQR. NQR. Correct? Now, by the reversibility rule, if we send a ray from this direction, then where will it bend? It will bend in the same direction. So, applying reversibility. Reversibility लगाने से, now equation is reverse direction. Now the ray is going from medium 2 to medium 1. So, ये स्ट्रीट गई और इसको बेंड किया. किसने? मीडियम 1 ने. अब बिकॉज मीडियम 1 हैज बेंट इट, दिस विल बी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. और इंसिडेंट कहां है? 2 पे. सो द रे हैज गॉन फ्रॉम 2 टू 1. वी विल राइट इट दिस वे. दिस म्यू 1 इज इक्वल टू अगेन साइन आई अपॉन साइन आर. यहां पर साइन आई की वैल्यू, इंसिडेंट एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है? Sorry, I should write it this way. Okay. साइन ऑफ दिस एंगल, इधर से जाने वाली के लिए ये इंसिडेंट है. सो दिस इज साइन आर क्यू एन डैश. आर क्यू एन डैश डिवाइडेड बाई साइन दिस पी क्यू एन. पी क्यू एन. तो ये किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है? 1 का. ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करिए. पी क्यू एन, पी क्यू एन, एन क्यू आर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन पी क्यू एन डिवाइडेड बाय साइन आर क्यू एन. And PQN upon RQN. This is mu 2. This is 1 upon mu 2. तो ये क्या है? Mu 1 and that is mu 2. Okay. तो इसने हमको क्या रिजल्ट दिया? Mu 1 is equal to 1 upon mu 2. Mu 1 is equal to 1 upon 1 mu 2. ये रिलेशन हमको याद रखना. ठीक है. एग्जाम्पल, इफ दिस इज वॉटर एंड दिस इज ग्लास, देन वॉट इज दिस? म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वॉटर. एंड वॉट इज दिस? म्यू ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. ये तो ये याद रखिएगा. इन्वर्स करने से ये रिलेशन हम यूज करेंगे एंड दिस विल कीप ऑन यूजिंग. अच्छा, नाउ नेक्स्ट इसको देखिए. दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2. सो म्यू 2 1 इज इक्वल टू
साइन आई वन अपॉन साइन आर वन. देन आई विल राइट दिस रिफ्रैक्शन, ये वाला, ये रे आई और ये अपने पाथ से ऐसे बेंड हो गई. किसने बेंड किया? थ्री ने. कहां से आ रही थी? टू से. तो ये जो रिफ्रैक्शन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्शन बाय थ्री रे कमिंग फ्रॉम टू, टू म्यू थ्री इज इक्वल टू, इसके लिए इंसिडेंट एंगल ये है आर वन डिवाइडेड बाय ये रिफ्रैक्टेड एंगल है यस साइन आर टू, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. नाउ वी कम टू थर्ड रिफ्रैक्शन हियर. इस इंटरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है उसे देखते हैं कौन रेफ्रेक्ट कर रहा है, मीडियम वन एंड द रे इज कमिंग फ्रॉम मीडियम थ्री. सो हाउ वी विल राइट इट? म्यू ऑफ मीडियम वन, द रे इज कमिंग फ्रॉम मीडियम थ्री. सो थ्री म्यू वन, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ आर टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई. Okay, so this is refraction 1, this is refraction 2, this is refraction 3. Refraction 1 equation, refraction 2 equation, refraction 3 equation. Now, we multiply all of them. So, isko multiply humne kiya, this is mu 1 2 into mu 2 3 into mu 3 1 is equal to, इन तीनों को मैं लिखूंगा नहीं, यू जस्ट मल्टीप्लाई, देखिए क्या आएगा. ये आई वन न्यूमरेटर, हियर आई वन डिनोमिनेटर, आर वन डिनोमिनेटर, आर वन न्यूमरेटर, आर टू डिनोमिनेटर, आर टू न्यूमरेटर, ऑल विल बी कैंसल्ड. और सब कैंसल होने के बाद क्या मिलेगा हमें? वन. ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया वन. हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखिए, यू कैन हैव ए डाउट दैट हाउ दिस एंगल इज आई वन, हाउ डू वी नो इट इज आई वन? द आंसर इज दैट दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम वन, बिकॉज इट इज द सेम मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ द रे विल रिमेन सेम. Therefore, these two rays are parallel to each other. थोड़ा इधर इधर हो गई है पर direction उसकी नहीं बदलेगी because that is the same medium. Therefore, if this is making angle I1 with the normal, this will also make angle I1 with the normal. Right? इसलिए ये दोनों का angle हमने एक ही रखा है. तो I1 से ये कितना बन गया? R1. ये दोनों alternate angle है इसलिए ये incident angle R1. ये फिर चेंज होके कितना हो गया? R2, because of this interface. ये R2 alternate इधर क्या बना? R2, that is incident for this refraction. और ये R2 बाहर आके इस direction में ले गया, which has to be parallel to this. इसलिए ये I1, इससे ये हमने तीनों बनाए. Okay, अब इसमें देखिए, mu2 3 is equal to, ये दोनों को इस तरफ ले जाते हैं, 1 upon mu 2, 1 2 into mu 1 3. Okay, अब यहां पर एक को हम ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे, तो अगर 3 म्यू 1 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यस, उल्टा हो जाएगा. दिस 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 म्यू, सॉरी, दिस 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 म्यू 2. तो जब हम इन्वर्ट करते हैं तो म्यू की वैल्यू रिवर्स हो जाएगी. So that the same thing we are doing here. So ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा?
mu of 3, 1, yeah. 1, 2, 3, and this is mu 2. Refractive index of medium number 3, refractive index of medium number 2 is equal to refractive index of medium number 3 with respect to medium number 2. ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम में आता है. किस तरह से काम में आता है? ये हमारे पास एक ग्लास है. इस ग्लास का बॉटम ग्लास का बना हुआ है और उसके ऊपर हमने पानी डाला हुआ है. तो उस पानी में जो रे जा रही है, ग्लास उसको कुछ ना कुछ बेंड करेगा, रेरर टू डेंसर है. तो वहां पर वो जो बेंड करता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, उसके लिए हम वहां पर जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि ग्लास वाटर से ग्लास कितना होगा. इसी तरह से अगर हमने वाटर के ऊपर केरोसिन ऑयल डाला है तो केरोसिन ऑयल ऊपर, वाटर नीचे, और उसके बीच में एक इंटरफेस बनेगा. जो रे जाएगी वहां पर जाकर रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी. कितनी बेंड होगी, फिर वहां पर जाकर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, हर चीज का एक्सपेरिमेंट हम विद रेफरेंस टू एयर करते हैं लैब में. तो लैब में हमने क्या किया, सिर्फ पानी रखा, एयर से वाटर, ग्लास रखा, एयर टू ग्लास, एयर टू केरोसिन, सब का विद रिस्पेक्ट टू एयर बना दिया और एयर का मीडियम नंबर क्या दे दिया, 1. तो ये देखो, एयर ग्लास, एयर वाटर, और मिला क्या हमको, ग्लास वाटर. इस तरह से कोई भी दो मीडियम का अगर हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है कि उनका आपस में कितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके रेफरेंस में निकालेंगे, किसी एक कॉमन के रेफरेंस में, और मोस्ट कॉमन क्या है, एयर, जो हमारी लैब में होती है. समझ गए? और अगर ठीक है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है, अगर एयर की बजाय दोनों का आप, जैसे ये हमने लिया ग्लास, ये लिया डायमंड, और नंबर 1 हमने ले लिया वाटर, तो भी ठीक है, वाटर टू ग्लास, वाटर टू डायमंड, दैट विल गिव ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रेफरेंस टू डायमंड. तो ऐसा आप कोई भी इसमें इक्वेशन बना सकते. सो मोस्टली वी यूज इट फॉर मटेरियल टू अदर मटेरियल, एंड बोथ द मटेरियल्स वी मेजर इन द लैब with reference to a common material that is air. समझ आ गया? तो इसलिए ये formula हमको बहुत काम में आएगा. और normally हम लोग जब इसको जल्दी में लिखते हैं तो इसे नहीं लिखते, we write it here. If we write it like this, that means both are with reference to free space. फ्री स्पेस और एयर दोनों में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. सो म्यू 3 म्यू 2 डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा, म्यू 3. ऊपर वाले का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा, ये याद रखिए, विद रेफरेंस टू दिस. सो दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज म्यू ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, राइट. तो जो मोड़ने का काम करता है वो हमेशा कहां पर लाएगा, म्यू न्यूमरेटर में, ठीक है, और जहां से एयर आ रही है वो डिनोमिनेटर में, तब ये फॉर्मूला इस तरह से एप्लीकेबल होगा, करेक्ट, ठीक है. इसके बेसिस पर एक छोटा सा सम बनाइए. द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर इज 4/3. म्यू ग्लास with respect to air is 3/2 and mu water is 4/3. Now there is an interface between water and glass. What is the refractive index of glass with respect to water? Utna bada mat likhiye, find refractive index of glass with respect to water. Very good. Nine upon 8. This is refractive index of glass water.
ग्लास वाटर। देखिए तरीका समझ आया, तो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है न्यूमरेटर में, जिसके रेफरेंस में डिनोमिनेटर, राइट। ओके, सो दीज आर दी टू फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज अलॉन्ग। नाउ वंस वी हैव सीन दिस रिफ्रैक्शन इन द नेचर, वी फाइंड सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इस तरह के और भी कुछ फिनोमिनाज हो सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल फिनोमिना, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। सबसे पहले डे और नाइट होते कैसे, तो हमारा फिनोमिना है व्हेन द अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज द कॉज ऑफ डे एंड नाइट। द सन इज सेंडिंग द पैरेलल रेस, ओके, सन रेस, ये सिचुएशन है एंड अर्थ इज रोटेटिंग दिस वे। यहां पर अभी क्या है बताइए, मॉर्निंग की इवनिंग, ये वाला जो पोर्शन है ये अभी किधर जाएगा, राइट की लेफ्ट, राइट। जब ये राइट में जाएगा तो इस पे लाइट आएगी कि अंधेरा हो जाएगा, तो ये अभी लाइट में जा रहा है कि लाइट से खत्म हो रहा है, लाइट में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हां जी। ये वाला पार्टिकल देखिए, ये थोड़ी देर में कहां पहुंचेगा, यहां, और इधर क्या है, डार्क। ये वाला पोर्शन कैसा है, ब्राइट, इधर से सनरेज आ रही है ना, तो यहां क्या होने वाली है, मॉर्निंग, और यहां क्या होने वाली है, नाइट, इवनिंग। ये हमारे जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं तो हमको सनरेज दिखेंगी, जब हम यहां पर हैं, देखिए यहां पर, तो क्या हमको सनरेज दिखती है, नहीं दिखती है, क्योंकि ये सनरे यहां आकर ब्लॉक हो गई, यहां नहीं पहुंची, इसलिए यहां पर हमको क्या दिखता है, डार्क, राइट। ये अभी ब्राइट में है क्योंकि इसमें सनरे आ रही है ये, लेकिन जैसे ही ये यहां पहुंचेगा, यहां पर अभी डे है, लेकिन जब ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो ये सनरे इस तक नहीं पहुंच सकती और ये क्या हो जाएगी, नाइट। तो डे और नाइट, ये दोनों समझ में आ गया आपको। अब देखिए हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, राइट, उस एटमॉस्फेयर में, ये इस एटमॉस्फेयर में बहुत से पार्टिकल होते हैं, those are dust particles or other particles, moisture particles and other things also, okay, this is all around it, atmosphere is denser than the vacuum, ye to hai। तो अगर वो उसे डेंसर है तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे होगा, ऑलवेज मोर देन वन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर चीज का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मोर देन वन होता है, तो ये भी मोर देन वन होगा, और ये क्या करेगा, दिस विल बेंड द रेज टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। अब अभी हम यहां पर हैं, दिस इज 6 o'clock, व्हेन वी कम हियर देयर विल बी मॉर्निंग, अभी हम कहां पर हैं, नाइट में कि मॉर्निंग में, नाइट, राइट। अभी 6:05 कम है, तो अभी एक्चुअली साइंटिफिकली इट इज नाइट टाइम, जैसे यहां से हमको सन दिखेगा देयर विल बी मॉर्निंग। नाउ व्हाट हैपेंस, वी आर हियर इन द नाइट जोन, वी आर हियर इन द नाइट जोन, तो ये वाली जो सन से रेज आ रही है, दिस रे
ये यहां पर आकर एटमॉस्फेयर में एंटर हुई. देर इज ए चेंज इन द मीडियम एंड दिस इज इंसिडेंट पॉइंट, दिस इज नॉर्मल. सो वेयर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है. यहां आकर इसको और डेंसर लेयर मिलती है तो फिर से टुवर्ड्स नॉर्मल ये फिर बेंड होती है. ओके सॉरी नॉट लाइक दिस. ये यहां पर ऐसे आई और यहां पर ये ऐसा, फिर और बेंड हुई, फिर और बेंड हुई और ये हमारी आंख में आ गई लाइक दिस. ठीक है, तो ये रेयरर है, ये डेंसर, ये उससे भी डेंसर, ये उससे भी डेंसर, एंड इट ऑलवेज गो टुवर्ड्स नॉर्मल. तो यहां पर ऐसे नॉर्मल में आई और यहां का नॉर्मल ऐसा बनेगा तो इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल. यहां का नॉर्मल ऐसा बनेगा, बेंड टुवर्ड नॉर्मल. तो इस तरह से हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होते 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 ये हमारी आंख में आ गई. अब जब ये लास्ट में हमारी आंख में आई है इन अवर आईज, व्हाट वी विल सी, इसका सोर्स, और इसका सोर्स कौन है? सन. तो हमें सन दिखता है कहां? यहां. सन की इमेज दिखी हमको, तो मालूम नहीं कि वो इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, हमारे लिए सन है. ठीक है, तो हमको सन दिख गया बिफोर 6 o'clock, और जैसे ही सन दिखा हमने क्या कहा? मॉर्निंग हो गई. बट इज इट अ रियल मॉर्निंग? आंसर इज नो. द रियल मॉर्निंग विल हैपन व्हेन वी रीच एट दिस पॉइंट. बट व्हेन वी आर एट दिस पॉइंट वी हैव रिसीव्ड द सन रेज, एंड बिकॉज ऑफ रिसीविंग सन रेज इट अपीयर टू अस दैट द मॉर्निंग हैज कम. मॉर्निंग हैज कम. सो दिस इज अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ये ऐसे घूम रही है. यहां टाइम कितना होना चाहिए? 6. यहां पर टाइम कितना है? 5:58. यहां पर कितना है? 6:02. तो 6 में एग्जैक्टली मॉर्निंग होनी थी, लेकिन हमको सन कब दिख गया? 5:58. वी से इट इज मॉर्निंग. सो मॉर्निंग ऑलवेज अपियर टू बी अर्ली. द सेम थिंग इज हियर, नाइट हैज टेकन प्लेस. उसके ये यहां पर हम पहुंच गए, लेकिन ये जो रे आ रही है, दिस बेंड टुवर्ड नॉर्मल, अगेन बेंड टुवर्ड नॉर्मल, और ये इस तरह से बेंड 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 यहां आ गई. और ये जब हमारी आंख में ऐसे आती है, वी सी सन. बट व्हाट इज द टाइम? जबकि अर्थ के रोटेशन से 6 o'clock के बाद हमको सन नहीं दिखना चाहिए, पर कब तक दिखता है? 6:02. 2 मिनट और ज्यादा हमको दिखता रहा बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना वेयर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. This is what you will remember. It is an example of refraction. Now we proceed further and come to medium, transparent mediums. लाइट रे थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम. इसका ये मतलब है, अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे दो डिफरेंट मीडियम का इंटरफेस, सिर्फ एक इंटरफेस, इधर से लाइट आई और यहां इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई.
अब हम एक इंटरफेस की बजाय दो इंटरफेस लेंगे और उन दोनों इंटरफेस के बीच में एक मीडियम है, ये मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू एंड अगेन दिस इज मीडियम वन। तो यहां से लाइट रे मीडियम वन से मीडियम टू पे एंटर करेगी इन ए डिफरेंट मीडियम एंड देन अगेन इट विल कम आउट। ये जो मीडियम है इसके अंदर ये किस तरह से बिहेव करेगी दैट वी हैव टू स्टडी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मीडियम ऑन रे ऑफ लाइट। ये सो ये जो हमको स्टडी करना है वी हैव टू स्टडी इन थ्री टाइप ऑफ मीडियम्स एंड दोज मीडियम्स आर स्लैब प्रिज्म एंड लेंस। ओके स्लैब ये पूरा ये मीडियम है, यहां से रे एंटर करती है और इस सरफेस से निकलती है, बाकी जो इसकी सरफेस है वो सरफेस काम में नहीं आती। सी यहां से रे एंटर की और यहां से निकल गई। दिस सरफेस दिस सरफेस दिस सरफेस दिस सरफेस ये जो चार सरफेसेस हैं दीज आर नोन एज नॉन रिफ्रेक्टिंग सरफेसेस। दीज टू आर रिफ्रेक्टिंग सरफेस क्योंकि ये दोनों इंटरफेस बेंड करने के काम आ रहे हैं। ऐसे ही हम कोई भी शेप लेंगे देयर विल बी ओनली टू सरफेसेस विच विल बी यूज्ड, वन फॉर इंसिडेंस एंट्री एंड अदर इज आउटगोइंग। दो सरफेस काम में आएगी एंड दोज टू विल बी नोन एज रिफ्रेक्टिंग सरफेसेस। यहां पर ये जो दोनों रिफ्रेक्टिंग सरफेसेस हैं, ये दोनों रिफ्रेक्टिंग सरफेसेस कैसी हैं? स्लैब रिफ्रेक्टिंग सरफेसेस आर प्लेन एंड पैरेलल। अच्छा दूसरा ये ऐसा है जस्ट लाइक दिस, इसके अंदर पूरा ग्लास भरा हुआ है, ये दोनों सरफेसेस हैं और बीच में सेकेंड मीडियम है। दिस इज मीडियम वन सेकेंड मीडियम। द रे विल गो फ्रॉम हियर एंड रे विल कम आउट फ्रॉम हियर, सो ओनली दीज टू सरफेसेस आर पार्टिसिपेटिंग रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेज एंड अदर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। इसमें टोटल सर्फेस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 आउट ऑफ 5 2 विल बी रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेज। ये सर्फेसेज कैसी है? प्लेन बट आर दे पैरेलल? दे आर नॉट पैरेलल। सो प्लेन बट not parallel. तो ऐसी शेप को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म। तीसरी शेप देखिए, तीसरी शेप में हमने चाय के कप प्लेट की एक प्लेट ऐसी ली, दूसरी प्लेट ऐसी ली और दोनों को ऐसा मिला दिया, बीच में पूरा ग्लास भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इधर से रे एंटर करेगी, ऐसे एंटर करेगी और इधर से आउटगोइंग रे निकलेगी। सो इन बिटवीन देयर इज ए मीडियम। नाउ दिस मीडियम हैज ए पर्टिकुलर शेप इन विच देयर इज नो प्लेन सरफेस एंड देयर इज नो पैरेलल सरफेस। ना प्लेन है ना पैरेलल है और इसको हम कहेंगे लेंस। लेंस at least one surface is curved. एक सरफेस गोल है ये ऐसी और दूसरी सरफेस प्लेन है। यस इट इज ऑल्सो ए लेंस।
और अगर दोनों ऐसी हैं कर्व, इवन देन इट इज अ लेंथ, दोनों ऐसे कर्व हैं, इवन देन इट इज अ लेंथ. ओके, तो ये कंडीशंस हो गई ट्रांसपेरेंट मीडियम्स. दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लेंस. दिस इज साइड व्यू. ठीक है, सामने से देखेंगे तो गोल ही दिखेगा आपको. ओके, सो दीज आर द थ्री शेप्स एंड नाउ वी विल स्टडी द रिफ्रैक्शन थ्रू ईच एंड एवरी शेप. फर्स्ट वी टेक स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब. इंसिडेंट रे, दिस इज मीडियम नंबर टू. This is normal. This is a denser medium. So this will bend towards normal. और ये यहां से bend हो गई towards normal. Let me make a big thicker surface. ये surface यहां तक ले जाते हैं. Okay. So this will bend towards normal. ये जो इसका सीधा रास्ता था, this. यहां से ये मुड़के ऐसे चली गई. ओके, यहां जाने के बाद अगेन देर इज इंटरफेस. इफ देर इज इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स, अगेन देर विल बी अनदर रिफ्रैक्शन. तो यहां पर हमने फिर से एक नॉर्मल बनाया. दिस इज द सेकेंड नॉर्मल एंड नाउ इट इज डेंसर, इट इज रेयरर, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल के लिए ये ओरिजिनल पाथ था एंड इट गोज अवे. बट दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज ऑल्सो मीडियम वन. तो ये जो इधर रे आएगी ये कैसी आएगी, पैरेलल टू दिस रे. सो वी मेक इट पैरेलल टू दिस रे, दैट इज पैरेलल टू दिस रे, दिस डायरेक्शन. सो The path of ray is P, Q, R, S. P, Q, R, S is the path. अगर हम यहां स्लैब नहीं रखते तो ये क्या करती, P, Q और यहां से इसमें चली जाती, P, Q, T, स्ट्रेट. लेकिन अभी इसने P, Q, R, S ये पाथ लिया. So, this is what happens in a slab. Incoming and outgoing both have got the same direction, so we cannot say that it is deviated from its path. So refraction hua, answer is yes, refraction hua, but there are two refractions which are equal and opposite to each other and they have cancelled each other. Ye apne raste se yahan ऐसे 10 डिग्री मुड़ गई और जब यहां गई तो इस रास्ते से फिर 10 डिग्री ऊपर मुड़ गई, अल्टीमेटली पैरेलल हो गई. तो रिफ्रैक्शन तो हुआ एट बोथ द प्लेसेस पर डेविएशन नहीं हुआ. ये स्ट्रेट थी, ये भी स्ट्रेट गई. सो डायरेक्शन इज आउटगोइंग डायरेक्शन इज सेम, इट हैज नॉट डेविएटेड. द आउटकमिंग रे इज नॉट डेविएटेड. Incoming ray this we can name as refracted ray and this is outgoing ray. Of course outgoing ray has been refracted at this point. Now, incoming ray and outgoing ray, they are parallel to each other, but they are not in the same line. This phenomena that this has shifted from this line, this is known as lateral shift. Lateral means what? अपने parallel. मैं अगर यहां से यहां जाता हूं तो ऐसे खड़ा था, अभी ऐसे हो गया, so there is a lateral shift. Mirror में मैं देखता हूं, मेरा दाहिना हाथ इधर है, मिरर में जो इमेज है उसका दाहिना हाथ इधर चला गया है, दैट इज ए लेटरल शिफ्ट.
और अगर ऐसा सिर ऊपर हो जाएगा पैर नीचे, देन इट इज अ वर्टिकल शिफ्ट. तो ये अपने पैरल यहां पे गई है. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज लेटरल शिफ्ट. सो व्हाट हैपेंस इन ए स्लैब, इन ए स्लैब द लाइट रे अंडरगोज लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट, ठीक है. अब ये जो लेटरल शिफ्ट होता है कितना होता है, क्या होता है, ये हम लोग ज्योमेट्री से बना सकते हैं. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं की गई हैं. बट एज ए गुड स्टूडेंट यू वुड लाइक टू स्टडी इट, तो थोड़ा सा दो मिनट और लगेगा. जस्ट सी, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ये वाला एंगल कितना होगा, इफ दिस इज आई दिस कंप्लीट एंगल इज आई, आउट ऑफ दिस ये आर निकाल दीजिए, बाकी ये कितना बचा, आई माइनस आर, ठीक है. अच्छा, अब लेटरल शिफ्ट कितना हुआ वो हमको एक लाइन चाहिए, तो हमने यहां पर एक लाइन बनाई परपेंडिकुलर टू दिस. ये जो लाइन की लेंथ है आर यू, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, लेटरल शिफ्ट. ये समझ आया, ये पहले डायरेक्शन थी, अभी ये डायरेक्शन है. हाउ मच इट हैज शिफ्टेड, यू टू आर, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है. ये किस पर डिपेंड करती है, तो देखिए किस किस पर डिपेंड करती है. This triangle we have completed and this is normal. इसको भी हमने complete कर लिया like this, right? अब यहां पर हमने इसको involve करना है. इसकी जो thickness है this is t. T is thickness I. Angle of incidence. I minus R, इसमें यू आर इन्वॉल्व होगा और इसका ये क्या बनेगा, साइन. तो वी विल स्टार्ट विथ साइन ऑफ I minus R. U R upon hypotenuse. This is hypotenuse. Q to R. Q R. Correct. Now we want to involve this thickness. तो दूसरा triangle हम ये लेते हैं जिसमें ये thickness आती है. ये R thickness. R के लिए thickness क्या? Cos. Base है. तो cos R कितना हुआ? Thickness divided by QR, thickness divided by QR. Okay. क्या कर सकते हैं, डिवाइड. डिवाइड करने से QR कैंसल हो जाएगा. एंड what डू वी गेट हियर, इससे इसको डिवाइड करिए. UR upon thickness is equal to साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर. सो यू आर, व्हाट इज यू आर, यस लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय साइन आई माइनस आर अपॉन cos R.
दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये कितना ज्यादा लेटरल शिफ्ट होगा, द क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर शुड बी लार्ज. टी थिकनेस, जितना ग्लास ज्यादा थिक होगा उतनी उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. यहां पर हमको दिख रहा है ये जा रहा है ऐसा. अगर ये यहां पर होता तो ये और ऐसा जाता, फिर यहां से निकलता. ये थिकनेस और ये डिस्प्लेसमेंट और बढ़ते जाता. तो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? थिकनेस. नंबर टू, साइन ऑफ आई, इंसिडेंस एंगल. ये इंसिडेंट एंगल जितना ज्यादा होगा, मोर इट इज, मोर इज द डिस्प्लेसमेंट. वी नो कि अगर ये स्ट्रेट आता तो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था, सीधा आता तो कैसा चला जाता? सीधा, नो लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अगर स्ट्रेट आता, क्यों? क्योंकि आई जीरो हो गया. ठीक है. सो जितना ज्यादा आई होगा, जितना ज्यादा टेढ़ा आएगा उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा. राइट. सो दिस इज बिहेवियर ऑफ ए स्लैब. स्लैब में फिर से रेरर टू डेंसर देर इज ए रिफ्रैक्शन, अगेन डेंसर टू रेरर देर इज ए रिफ्रैक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन. बोथ रिफ्रैक्शंस आर इक्वल. देयरफॉर वी डू नॉट सी एनी डेविएशन ऑफ द रे. हमको कुछ मुड़ा हुआ नहीं दिखता है. ऐसे ग्लास में दिखते सब चीजें आर पार दिखती. ठीक है. ओके. सो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब. अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब का एक डिफरेंट फिनोमिना है. दैट इज whenever we see across a medium, the distance from our eye that appear to change. जैसे ये यहां पर मैंने एक डॉट बनाया, ये डॉट मेरे को अपनी आंख से दिख रहा है, that this will be around 50 centimeter from my eyes. Now I put a glass over it. एक पेपर वेट मैंने इस पे रख दिया. अब मैं देखता हूं तो जो पहले मुझे 50 सेंटीमीटर कितना बोला था मैंने, 50 सेंटीमीटर लग रहा था, अब मैं देखता हूं कि ये तो 45 सेंटीमीटर है. मुझे कहां अपीयर होने लगा? ऊपर. सो द डिस्टेंस चेंज इफ देयर इज ए मीडियम इन बिटवीन. ये कैसे हो जाता है, इसको अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से इमेज अपनी लोकेशन चेंज कर लेती है. देखिए, हमारे पास एक मीडियम है. उस मीडियम के नीचे ये जैसे मैंने ग्लास रखा था या वाटर रखा था, यहां पर एक स्पॉट है और यहां पर ये मीडियम है. ओके. दिस इज ए मीडियम अदर देन एयर. ये वहां मीडियम वन है. वी कैन से इट इज एयर एंड दिस इज मीडियम टू. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. ओके. नाउ दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू, हियर इज ए स्पॉट. हम इसको बाहर से देखना चाहते हैं. इफ वी आर लुकिंग इट फ्रॉम दिस साइड, हाउ वी विल ऑब्जर्व दिस? यहां से जो दो रेज जाएंगी वो रेज हमारी आईज पे आएंगी, और वो दोनों रेज जहां से आएंगी इसका जंक्शन, दैट विल अपियर एज लोकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. हमको लोकेशन कैसे पता लगती है? दो रेस को बैक ट्रैक करके. तो हम यहां से अपनी आईज सेट करते हैं और इसको देखते हैं. देखिए, तो मैं इसमें से दो रेस निकालता हूं. एक रे जो इसके परपेंडिकुलर है, ये इंटरफेस पे पहुंची, इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एंगल आई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस विल गो विदाउट एनी बेंडिंग, विदाउट एनी डेविएशन, दिस गो स्ट्रेट. ठीक है. तो ये एक बड़ा हमको कन्वीनियंट तरीका मिल गया कि एक रे तो हमको ऐसे ही मिल जाती है. दूसरी रे देखिए, यहां से ये ऐसे गई. नाउ वी ड्रॉ ए नॉर्मल हियर. These two are different mediums. This is interface, so there has to be a refraction.
This is denser, this is rarer. So this ray will move away from the normal. ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है एंड दिस विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये ऐसा ऐसे चलेगी. सो दिस इज अवर सेकेंड वन. ये एक रे है, ये दो रे है, दोनों इसी ऑब्जेक्ट से गई है. अब यहां पर हम ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज अवर आई एंड वी आर ट्राइंग टू सी इट. तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां दिखेगा? ये डायरेक्शन दिखाता है, ऑब्जेक्ट इज इन दिस लाइन. और ये रे क्या दिखाती है? ऑब्जेक्ट इज इन दिस लाइन. सो व्हाट इज परसीव्ड? हम लोग क्या सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है? इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, तो यहां पर है ऑब्जेक्ट हमारी आंख के लिए. तो ऐसी इसको हम क्या कहेंगे जो हमको दिख रहा है? इमेज. बिकॉज वी नो दिस इज ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? व्हाट परसीव्ड बाय अस इज इमेज. सो दिस इज आई, दिस इज ओ सी. ओके, नाउ लेट अस गिव इट सर्टेन नेम एस. हाँ, सो ओ आई सी, दिस इज वन रे गोइंग टू द आई. अदर इज ओ एस टी, दिस इज द अदर रे. ये दोनों रेज ऐसे गई और इमेज कहां पर बनी? ई आई पे. नाउ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दिस मीडियम, सर्फेस ऑफ वॉटर, ग्लास, वॉट एवर इट इज, ये पॉइंट कितनी डेप्थ पर है? ओरिजिनल डेप्थ क्या है? सीओ. और हमको कितना गहरा दिख रहा है? सी से लेके आई तक, सी आई. दिस इज apparent depth. ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू? इस रिलेशन को निकालने के लिए देखिए, रिफ्रेक्शन के लिए हम इसको लेते हैं, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है व्हाट वी कॉल इट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये आउटगोइंग रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ओके. सो म्यू ऑफ बेंड करने का काम किसने किया? बेंड करने का, रिफ्रैक्ट करने का काम मीडियम वन ने किया या मीडियम टू ने किया? मीडियम वन ने. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? मीडियम वन. साइन आई अपॉन साइन आर. तो आई किसमें बनेगा? मीडियम वन या मीडियम टू, किसमें? म्यू वन. दिस इज वन, दिस इज टू. तो जो रिफ्रैक्ट करता है उसमें रिफ्रैक्शन का एंगल बनता है, रिफ्रैक्टेड एंगल. तो रिफ्रैक्शन एंगल किसमें बनेगा? मीडियम वन में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मीडियम टू. सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर टू. दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर. हाँ जी, हो गया. अब मैं साइन आई और साइन आर इनकी वैल्यू रखना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे एक ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल. तो देखिए, इफ दिस इज आई देन दिस अल्टरनेट एंगल इज आल्सो आई बिकॉज दीज टू आर पैरेलल. ठीक है, ये आई है तो ये भी कितना हुआ? आई. फिर से ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये दोनों कैसे एंगल हैं? इक्वल एंगल्स. क्या बोलते हैं इनको, कौन से एंगल?
These are two parallel lines, this angle and this angle. Yes, corresponding angle. Okay, so this R and this is R. So this angle is I, this angle is equal to R. Now I have to take their sine. ये जिस right angle में है उसमें perpendicular कौन है? CS. So this is CS upon OS. This is to be divided by sine R. This is CS upon S. CS upon SI. CS, CS is cancelled. We reverse this and this is SI upon OS. SI upon OS. Now, we have taken S point here. थोड़ा सा ये सोचिए, अगर मैं S को यहां की बजाय यहां लेता तब भी इक्वेशन आता, यहां की बजाय यहां लेता तब भी यही इक्वेशन आता, राइट? सो इफ एस बिकम वेरी क्लोज टू सी, इवन देन दिस विल रिमेन सेम. पर उस समय एस आई की वैल्यू, एस आई की वैल्यू, एस आई की वैल्यू सी आई की वैल्यू से ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, इक्वल. एंड एस ओ की वैल्यू सी ओ की वैल्यू के सेम हो जाएगी. Since S and C are very close, then mu of medium 1 with respect to 2 is SI, that is SI will become CI and SO will become CO. CO. ये किसका म्यू है? मीडियम वन. एंड व्हाट इज मीडियम वन हियर? एयर. पर एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, वो हमको पता है. इफ दिस इज ग्लास 1.5, इफ दिस इज वाटर 1.33, जो भी मटेरियल है उसका मीडियम. और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2, सो दैट इज म्यू 2. तो इसको मुझे म्यू 2 बनाना है. कैसे बना सकता हूं? यस, दिस इज वन अपॉन रिलेशन. तो इसे हम ऐसा लिख देते हैं. देयरफॉर वन अपॉन 2 म्यू 1 इज इक्वल टू सी ओ अपॉन सी आई. इसको रिवर्स कर दिया, इसको भी रिवर्स कर दिया, ये ठीक है. नाउ व्हाट इज 1 अपॉन 2 म्यू 1? 1 म्यू 2. देयरफॉर दिस इज म्यू 2 इज इक्वल टू सी ओ अपॉन सी आई. अब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? मीडियम नंबर 2, क्योंकि मीडियम नंबर 1 हमारा स्टैंडर्ड मीडियम है एंड नॉर्मली वी टेक इट एज एयर. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज सीओ अपॉन सी आई. नाउ व्हाट इज सीओ एंड व्हाट इज सी आई? हियर इट इज. सीओ क्या है? ओरिजिनल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ. सो ओरिजिनल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ. अब अगर मैं यहां लिखूं सी आई इज इक्वल टू, तो कितना होगा? सी आई इज इक्वल टू हाउ मच? सी ओ अपॉन म्यू 2. ये आ गया. तो अब इसमें हमको दो इक्वेशन मिले. पहला इक्वेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज इक्वल टू सीओ
real depth divided by apparent depth. एक तो ये फॉर्मूला बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ठीक, म्यू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ. दूसरा फॉर्मूला हमको क्या मिला, एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू सीओ रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Now we know refractive index of any medium is more than one. If it is more than one, तो more than one, तो इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? Anything you divide with one, it remains same, and if anything you divide with more than one, then this will become less. 1/2, 1/1.5, there is always less than one. तो apparent depth हमेशा कैसी होगी? Less than the real depth. Therefore, apparent depth is always less than real depth. और कितनी कम होगी, ये फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, ओके. अब इसमें आप एक छोटा सा फॉर्मूला मुझे और निकाल के दे सकते हैं कि एक डॉट जो नीचे में था अब हमको ऊपर दिखता है, कितना राइज हुआ. राइज rise of image is equal to how much? CO minus CI. ठीक है, अब इसको आप इसमें original depth कौन सी है? CO. तो CI का formula लिखिए. CO minus CI का formula क्या था हमारे पास? CI is equal to CO upon mu naught is mu 2, that is mu of the medium. Or CO kya hai? Real depth. So this is real depth into 1 minus 1 upon mu. Real depth into 1 minus 1 upon mu. This is what? Rise in the image. ठीक है? Okay. अब जल्दी से एक सम बनाइए, लिखिए. A paper weight made of glass. Refractive index 1.5 and having thickness 4 centimeter is placed on an ink dot on a paper. Find out rise. Find out rise in the image of ink dot. ये एक पेपर पे इंक डॉट बना हुआ है,
इसके ऊपर हमने ये पेपर वेट रख दिया, ये कितना है और इसका म्यू कितना है। अब ये हमको यहां ना दिखे, कहां दिखेगा, यहां कहीं दिखेगा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कितना ऊपर उठ गया, ये यहां से कितना ऊपर उठ के हमको दिखेगा, ये निकालना है आपको। और ये चीज आपने अभी अभी की है, व्हाट इज दिस, हाँ राइज ऑफ इमेज। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट करो, या क्या कर सकते हो, एपेरेंट हाइट निकालो, ओरिजिनल हाइट में से एपेरेंट हाइट को माइनस कर दो, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी वैसे ही निकाला, ओरिजिनल हाइट में एपेरेंट हाइट को माइनस किया, आइदर वे। This is the answer. Real depth 4 centimeter, 1 minus 1 upon mu. Mu is how much? 3 upon 2. 3 upon 2 ko aisa ulta kiya, 2 upon 3. 1 minus 2 upon 3 is 1 upon 3. 1 upon 3 multiplied by 4 is 4 upon 3 centimeter. That is the rise. ठीक? और अगर हम CI निकालना चाहेंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? CI निकालने के लिए देखिए, apparent depth is equal to real depth 4 divided by refractive index 3 upon 2. This is 8 upon 3 centimeter. ये क्या निकली? Apparent depth. अब real depth क्या थी? 4. Apparent depth क्या है? 8 upon 3. तो rise कितना हुआ? ये हमने कर लिया. This is 4 upon 3 rise. आप इस मेथड से निकालेंगे तो ऐसे आएगा, डायरेक्ट निकालेंगे ऐसे आएगा, तो आप जैसा मर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है? ओके, सो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब एंड अपेरेंट डेप्थ। इसके लिए नेचुरल फिनोमिना, व्हेनेवर वी सी द रिवर बेड, देयर इज वाटर इन द रिवर एंड वी सी द रिवर बेड, यानी उसके नीचे की रेत और पत्थर हमको दिखते हैं, तो हमको जितने गहरे दिखते हैं वो उतने ही गहरे होते हैं, उससे कम होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं वो कौन सी डेप्थ होती है? रियल की अपेरेंट, अपेरेंट। और अपेरेंट हमेशा कैसी होती है? लेस और मोर, इट इज ऑलवेज लेस। तो नदी जितनी गहरी दिखती है उससे ज्यादा गहरी होती है, राइट? द डेप्थ ऑफ वाटर इज ऑलवेज मोर देन व्हाट वी सी। इसलिए हमको इतना जल्दी अंदाज नहीं लगाना चाहिए, सरफेस हमेशा थोड़ा सा ऊपर दिखती है, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन।